अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं मेरी वाइटी फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ जी। और वेलकम बैक टू गाइस, इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक 10 डेज हो गए हैं मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। शॉर्ट वीडियोज जस्ट डाल रही थी बिकॉज आई वॉज ऑन माई वेकेशन, कह लें छोटा सा ट्रिप कह लें, विद फैमिली के साथ था। और ट्रिप में क्या क्या करते रहे, क्या क्या होता रहा, कहाँ गए, सब बताऊँगी। सो मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया भी गाइस, बिकॉज कुछ कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा था, कुछ अपलोड ही नहीं मैं कर पा रही थी। और अब मैं जैसे ही घर आई हूँ, मुझे टाइम मिला है, तो अब मैं वन बाय वन करके तमाम वीडियोस को आराम से अपलोड करूँगी, क्योंकि एडिटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कहाँ गई थी वो भी बताती चलूँ इस व्लॉग में। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने जो है एक कम्युनिटी पे अपनी पोस्ट भी शेयर की थी, एक पोस्ट सा शेयर किया था कि जस्ट आस्क यू कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे बर्थडे ब्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह, और जिस जहाँ मैं जाऊँगी जिस ट्रिप में, तो मैं काफ़ी मतलब ऑप्शंस दी, तो उसमें से काफ़ी लोगों ने तो गलत दिया जवाब, सिर्फ एक बंदी थी जिसने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। अच्छा, मेरा पहले जो ट्रिप था जहाँ मेरा दिल कर रहा था जाने को, वो थी जगह कनाडा। और एज़ यू नो, अगर आप जानते हैं तो कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और जिस मंथ पे मैं ट्रैवलिंग करना चाह रही थी, मुझे लगता है कि शायद हमारी अच्छी खासी कुल्फी जम जाती। अच्छा, कनाडा में जहाँ पे हम रुकना चाह रहे थे ना, वो था जी टोरंटो, ओटावा, ओंटारियो, ये वो सिटीज़ थी जहाँ हम रहना चाह रहे थे। लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा अभी से ठंड थी, तो अगर हम नेक्स्ट मंथ का प्लान बनाते ना, तो बिल्कुल भी जो है ना हम अपना ट्रिप इंजॉय कर सकते और ना ही कुछ और कर सकते। तो फाइनली फिर हमने डिसाइड कर लिया शिकागो का। और जो है जो हमारा ट्रिप स्टार्ट हुआ था ना होटल में आने का, होटल में हम दिन को पहुँचे, हम रात को ही ट्रैवल स्टार्ट कर दिया था। अराउंड लाइक 8-9 o'clock जो है ना रात को हमने किया, और जब तक हम मतलब चला सकते थे हमने गाड़ी चलाई। और 13 hours की लॉन्ग ड्राइव थी, तो हमने जो है आधे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने ड्राइव किया, और जो बाकी आवर्स थे ना वो मैंने ड्राइव किया। और बहुत ज़्यादा जब थक गए, तो फिर हमने जो है वहाँ पर ही कोई सर्च किया मोटल, और वहाँ पर फिर हमने बुक कर ली एक रात। और फिर सुबह ही जो है हम दोबारा निकल आए, और 3-4 hours हमें मोर लगे इस होटल में आने के बाद। तो हमने कहा था कि चले हमारा, तो ज़्यादा टाइम हमारा ट्रैवलिंग में गुजर गया, क्योंकि 13 hours की लॉन्ग ड्राइव थी, तो हमने रात को इसलिए प्रेफरेंस समझी। और नेक्स्ट डे आपको पता है कि अगर थकावट इस वजह से नहीं हुई क्योंकि हमने रात को स्टे कर लिया था, और सुबह जो है हम आई थिंक 9-10 o'clock निकल चुके थे, तो फिर भी हमें 4 hours मोर ड्राइव करना पड़ा शिकागो आने तक। तो बहुत अच्छा सफ़र था, बहुत ज़्यादा व्यूज़ प्रिटी थे, और मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट वीडियोज़ भी डाली थी। सो अभी हम जस्ट अपना रूम ही सर्च कर रहे थे बिकॉज ये मिक्सअप हुए हुए थे। सो फाइनली भी जी हमें ये रूम मिल गया अपना, तो बिल्कुल एंड पर था, और 8th floor था। और अभी तो जो है ना रात हो चुकी है। सो उसके बाद फिर हमारा प्लान था कि जो है हम थोड़ा डाउनटाउन इतने में देखाते हैं कि कैसा एरिया है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, या कुछ खा पी लेते हैं। तो आते साथ ही जो है ना मैंने कहा एक पूरा रूम टूर इसी ब्लॉग में आपको दे दूँ। सब चेकिंग वगैरह की मैंने, तो काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल रूम था, 2 beds थे अलग-अलग, सो वो कंफर्टेबल था हमारे लिए। और सब चीज़ें 1 to 10 मैं कह सकती हूँ, बहुत अच्छा था, सर्विसेज थी और अच्छा होटल था। और उसके बाद फिर हम जो है थोड़ा फ्रेश अप हो गए और निकल पड़े, क्योंकि हमें थोड़ा सा डाउनटाउन देखना था शिकागो का। और वैसे अगर मुझे कंपेयर करना पड़े, क्योंकि लास्ट हमारा ट्रिप 3-4 months बैक जो था हमारा न्यूयॉर्क का था, तो सेम ही न्यूयॉर्क डाउनटाउन सेम ही लगते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा रश थी रात के। आप 2-3 बजे भी चले जाओ, न्यूयॉर्क का जो डाउनटाउन है ना वो ऑलवेज़ बिजी रहता है ऑलवेज़। तो शिकागो का ऐसा था कि बड़ा काम डाउन था, बड़ा रिलैक्सिंग था, और कोई रश काम की कोई इतनी नहीं थी। मे भी शायद काफ़ी लेट हो चुके थे हमने जस्ट राउंड लगाना था, बिकॉज हमारा होटल थोड़ा सा दूर था डाउनटाउन से, तो फिर हमें वापस आना था। या मेरे हस्बैंड कहते कि पहले चलो डाउनटाउन चलते हैं, मैंने कहा नहीं, पहले हम होटल जाकर सब चीज़ें जो हैं रखाएंगे, फ्रेश अप हुआएंगे, तो फिर हमारे पास थोड़ा सा टाइम होगा
और बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक नहीं थी, बहुत कम ट्रैफिक थी। जस्ट एंटर होने तक तो ट्रैफिक थी, लेकिन जब हम अंदर डाउनटाउन जस्ट घूमने के लिए गए तो रात के वक्त कोई ख़ास नहीं था। फिर उस वक्त हमें तो उसके बाद फिर हमें थोड़ी सी भूख वगैरह भी लग गई, तो हम जस्ट सर्च कर रहे थे कि करीब हमें कोई जाते जाते होटल कोई मिल जाए। तो फिर फाइनली जो है हमें इस रेस्टोरेंट का नाम है जी कबाबिश, और जिस पाकिस्तानी था और खाना बस ओके था, बस हमने खा लिया बिकॉज खाना था कोई। सो इंशाल्लाह मैं न्यू व्लॉग्स अपडेट करती रहूँगी, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।